हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट डिस्कशन जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर हुआ था, इस सीरीज में जो लेक्चर था उसमें आपको एसिड और बेस के बारे में हमने जानकारी दी थी डीप में। और इसके बाद हमने आप लोगों को एक पैरामीटर डिस्कस किया था जिसे हमने पीएच कहा था। पीएच का नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन आप लोगों ने देखा था, और कैसे उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, पीएच की जो हमने बाय द डेफिनेशन जो हमने निकाला था, पीएच इजिकल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, वो आपको याद रखना है। वो हर किसी केसेस में जहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है और आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता है तो आप उसकी पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लास्ट डिस्कशन में हमने किया था, मगर लास्ट डिस्कशन में हमने आपको आखिरी में ये बताया था कि पीएच की जो वैल्यू है, ये पीएच की वैल्यू 7 के जितने नजदीक होंगी, ठीक है, पीएच की वैल्यू 7 के जितने क्लोज होगी वो उतना वीक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि 6.9 किसी की पीएच है तो ये एक वीक एसिडिक है, क्योंकि 7 से नीचे इसलिए एसिडिक है मगर वीक है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह रहा हूं अगर कि 7.1 है तो ये क्या है, 7 के क्लोज तो है मगर ये एक बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि 7 से ऊपर है। ठीक है ना, तो ये एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जो होगी, जितना वो 7 की क्लोज होगी वो उतनी कम होगी, और जितनी 7 से दूर होगी, जैसे ये 14 तक जा सकता है बेस और ये यहाँ पे 0 तक जा सकता है, इसका 0 स्केल है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की पीएच 1 है तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, या किसी की 14 या 13 पीएच है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। इस बात को भी आप लोगों ने वहाँ से समझ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये तो जो हमारी बात थी ये थी सॉल्यूशन के ऊपर कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नोन है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ठीक है, मगर मैं आपको अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपाउंड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। तो अब जो दूसरा टॉपिक आज मेरे पास है वो है मेरे पास वीक एसिड एंड बेस। जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को आज डिस्कस करना है बच्चों वो है वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के होते हैं, और एसिड और बेस एक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो इसलिए एसिड्स और बेस भी वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इनकी स्ट्रॉन्गनेस को और वीकनेस को चेक करने के लिए आप लोगों ने जैसे कि पहले लेक्चर में भी देखा था, कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसका आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस के केस में डिसोसिएशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसिड और बेस जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं आयंस में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्पीसीज ज्यादा इजीली ब्रेक डाउन होती है उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाना, या फिर इसे कह सकते हैं कंप्लीट डिसोशिएशन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बाय द डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस किसे कहेंगे, तो आप कहोगे विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स। और यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हम इस वीक एसिड और बेस किसे कहेंगे, तो वीक एसिड और बेस वो हो जाएंगे दोज विच कैन नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, जो कि पूरे पूरे डिसोशिएट नहीं होते, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट। तो ये तो बच्चों इनकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या है जो कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट को देखिए हमने यहाँ पे 100% डिसोशिएट लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड और बेस है तो नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट मतलब लेस देन 100%, इसका जो डिसोशिएशन होगा
वो 100% से कम होगा, चाहे वो 90% हो, चाहे वो 99% ही हो, तो हम उसको पार्शियल ही कहेंगे, 100% नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो अब कोई चीज कितना डिसोशिएट हो रही है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो कंप्लीट डिसोशिएट हो रही है तो वो तो स्ट्रांग है, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो। मगर वो अगर थोड़ा भी कम हो रही है तो वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो थोड़ा कम स्ट्रांग है। तो ऐसे करके धीरे 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 डिसोशिएशन के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो एसिड या बेस वीक है या स्ट्रांग है, और वीक है तो कितना वीक है, क्या वो बहुत वीक है, वेरी वेरी वीक है, या वेरी वीक है, या फिर वो वीक है ना। इस तरीके से हम इसको मतलब कई कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये 100% डिसोशिएशन अगर मैं कह रहा हूँ, मेरे पास अगर एक एसिड है AH मान लेते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रांग एसिड है, तो ये एक A नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोशिएट होता है। देखिए, ये एसिड है तो इससे एक प्रोटॉन निकलेगा, अगर ये निकलेगा तो ये एक एसिडिक एसिड हो गया, और अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो ये कैसे टूटेगा, कंप्लीट डिसोशिएट होगा, मतलब 100% डिसोशिएट होगा। किस केस में, अगर ये स्ट्रांग एसिड है। पर मान लेते हैं अगर ये वीक एसिड है तो उस केस में ये लेस देन 100% डिसोशिएट होगा। लेस देन 100% डिसोशिएट का मतलब, अगर मेरे पास ये 100 मॉलिक्यूल थे तो ये कंप्लीट 100 के 100 मॉलिक्यूल इसमें नहीं टूटेंगे, कुछ अमाउंट इसमें से डिसोशिएट होगी, कुछ अमाउंट इसमें से डिसोशिएट नहीं होंगी। तो इसलिए ये कंप्लीट रिएक्शन न करके मुझे थोड़ी रिएक्शन पीछे की तरफ भी लेकर आनी, ठीक है ना। इसलिए अब मैं कह सकता हूं इट डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, ठीक है बच्चों। तो एक पॉइंट तो आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि डिसोशिएशन जितना होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। अगर पूरा हो जाएगा तो स्ट्रांग एसिड, अगर थोड़ा कम हो रहा है 100 से तो वो थोड़ा कम, थोड़ा वीक हो गया, फिर वीक 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 वीकेस्ट। इस तरीके से आप उनको मतलब एसिड और बेस की कैटेगरीज में तोड़ोगे। या फिर मैं अगर आपको कहूँ BOH बेस एक हो गया, तो बेस के लिए भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बी पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर ये 100% डिसोशिएट हो रहा है तो स्ट्रांग, और अगर वीक है तो लेस देन 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ तक हमने समझ ली है बच्चों, सबसे पहला केस तो ये, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इससे धीरे धीरे आगे लेकर के जा रहा हूं कि मुझे पीएच के हिसाब से कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है या फिर वो वीक एसिड का सोल्यूशन है, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला केस है बच्चों, वो केस है एक वीक एसिड का। मैं एक वीक एसिड को आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। मेरे पास वीक एसिड जो है वो लेस देन 100% डिसोशिएट होता है, ये चीज आपको समझनी है सबसे पहले, ठीक है। अब मान लेते हैं शुरुआत में हमारे पास इसकी कुछ कंसेंट्रेशन थी, ठीक है, मान लेते हैं एक कंसेंट्रेशन। अगर ये स्ट्रांग होता बच्चों तो ये साइन नहीं होता, अगर ये स्ट्रांग होता और ये टूटने के बाद एक मॉलिक्यूल इसका और एक आयन इसका और एक आयन इसका देता, अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो सकता तो, ठीक है ना। मगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे मैंने एक उल्टा वापस का भी साइन लगाया है, क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है, ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म है और ये डिसोशिएटेड फॉर्म है। तो आपको पता है कि जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डाला जाएगा, इसको इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो इसकी कुछ अमाउंट अनडिसोशिएटेड रहेगी और कुछ अमाउंट डिसोशिएटेड रहेगी। मान लेते हैं इसमें से x अमाउंट डिसोशिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो x अमाउंट अगर डिसोशिएट हो जाती है तो इसकी x आयन बनेंगे और इसके भी x आयन बनेंगे, ये तो सिंपली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिसोशिएशन के बाद अगर वन पोर्शन कंप्लीट था और x पोर्शन ही इसमें से डिसोशिएट हुआ, मतलब 100 मॉलिक्यूल में से अगर 20 मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट हुए, तो इसके भी 20 आयन बने होंगे, इसके भी 20 आयन बने होंगे। अगर ये एक है तो इससे एक ही कैप निकलेगी और एक ही बॉडी निकलेगी। वही बात है कि इससे डिसोशिएट होने के बाद ये एक्स एक्स से ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक पुराना फॉर्मूला, आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन का, उसको अप्लाई करने के लिए कहूंगा। लॉ ऑफ मास
एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं बच्चों? कि जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए, क्योंकि ये एसिड है इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं किससे दिखाऊंगा, के ए, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से के ए निकाला जाता है, ये आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन से पढ़ा है। और अगेन आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी इसकी रेट जो है इन दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। देखिए मतलब ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, मतलब इनका प्रोडक्ट होगा। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन मतलब देखिए अगर ये वाली रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन बोले, ये वाली रिएक्शन अगर बैकवर्ड रिएक्शन और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट ये रहे और बैकवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट ए एच है, ये रहा ए एच। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ मास एक्शन से रिलेशन आएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे के ए इजिकल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डिवाइड बाई एच ए, ये हमारे यहाँ से कंसेंट्रेशन मिलेगा। ओके अब बच्चों इसके बाद देखिए यहां से हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आप देखिए हमारे जो हमारा एसिड था उससे एक्स पोर्शन क्या हुआ डिसोसिएट हुआ, तो इसलिए एक्स पोर्शन डिसोसिएट हुआ इसलिए ये भी एक्स मॉलिक्यूल्स बने और ये भी एक्स मॉलिक्यूल्स बने। अगर ये Y डिसोशिएट होता तो ये भी Y बनता, ये भी Y बनता। अगर ये पांच मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते तो ये भी पांच मॉलिक्यूल बनते और ये भी पांच मॉलिक्यूल बनते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ये बनेगा उतना ही H पॉजिटिव भी बनेगा, मतलब किसी भी केस में कितना भी परसेंट डिसोशिएशन होगा A की कंसेंट्रेशन H की कंसेंट्रेशन के बराबर होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है? आपको क्या बताया जा रहा है कि डिसोसिएशन का पैटर्न चाहे कुछ भी रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैटर्न ऑफ डिसोसिएशन वेदर इट इज डिसोसिएटिंग कंप्लीटली और इट इज डिसोसिएटिंग 10%, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव विल रिमेन इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, नॉट सेम। मैंने नहीं कहा कि ये सेम रहेंगी हर केस में, मगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो मैं ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन को एच पॉजिटिव के बराबर लिख सकता हूँ या फिर वाइस वर्सा। तो देखिए इससे हमारी ये के ए वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ए क्या बन जाएगा हमारा, ए नेगेटिव को हमने एच पॉजिटिव ही लिख दिया और एच पॉजिटिव को एच पॉजिटिव ही लिख दिया डिवाइडेड बाई एच ए। देखिए ये वाली इक्वेशन अब हमारी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के ए इज इक्वल्स टू एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एच ए, ठीक है। यहां से हमारा एच पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन एच ए इज इक्वल्स टू के ए के बराबर हो गया। अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां से एच पॉजिटिव निकाल सकता हूं, Yes, मैं यहां से H पॉजिटिव के स्क्वायर को कर लूंगा के ए इंटू एच ए, या फिर यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना बच्चों। यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ के ए एच ए विल बी इक्विवेलेंट टू द H पॉजिटिव, और ये जो बनाया है इसको कर दो डब्बे में बंद। ये हो गया हमारा रिलेशन, क्या हो गया रिलेशन, H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए एच ए, ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। पहले यहां तक समझ लें फिर मैं इसको रब कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला ये हमारे पास एक वीक एसिड है, क्योंकि ये वीक है इसलिए ये लेस देन 100% डिसोशिएट होता है, ठीक है। और डिसोशिएट किसमें होता है, ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव में। अब आपको बताया जा रहा है कि शुरुआत में तो इसकी कंसेंट्रेशन पूरी थी, वन मोलर की या वन थी, कंप्लीट 100% थी, पर इसमें से एक्स पोर्शन थोड़ी देर बाद डिसोशिएट हो गया, जो कि एक्स ये बनेगा और एक्स ये बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इफ दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है, इसको क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के बराबर कहते हैं, है ना। तो ये एक रिलेशन आपको पहले से पता था, के ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट का इसके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया एच ए, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, इसकी कंसंट्रेशन के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला एक लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। अब आपको आगे देखना है कि जितना पोर्शन इसमें से डिसोशिएट हुआ उतना ही पोर्शन इन दोनों का बना, ठीक है ना, उतना ही ये दोनों बन पाए। तो चूंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन हर केस में सेम रहेगी, इसलिए हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट के रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट किया, और बाद में हमने ए नेगेटिव की जगह भी एच पॉजिटिव ही रख दिया, और दोनों केसेस में एच पॉजिटिव आ गया, जिसको कि एच स्क्वायर के बराबर कर दिया। और यहाँ से एच पॉजिटिव की जब हमने अमाउंट निकाली, तो हमारा फाइनल रिलेशन बच्चों क्या आ गया, हमारा फाइनल रिलेशन आ गया एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए एच ए, ठीक है। ये रिलेशन हमारा फाइनल रिलेशन है, एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए एच ए। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, अगर हमारे पास एच पॉजिटिव है, अगर हम किसी केस में एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं, तो क्या हमारे को एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं, तो क्या हमारे को पी एच निकाल पाएंगे इसके बाद हम? तो क्या हमारे को ये फॉर्मूला पता है? ये तो फॉर्मूला में पता है, ये तो मास्टर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए जो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें चाहिए, वो कंसंट्रेशन हमारे को इससे मिल जाएगी, देखिए, ठीक है ना। और इससे अगर ये एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हम निकाल लेते हैं, तो हम क्या बता देंगे, किसी वीक एसिड के लिए पीएच वैल्यू, किसी वीक एसिड के लिए पीएच वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो पहला रिलेशन, ठीक, पहली बात, एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए एच ए, और ये हो गया आपका फॉर वीक एसिड्स। ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशन। अब अगर आपसे पूछते हैं कि वीक बेस का केस बताएं, तो वीक बेस के लिए आप पीएच ना निकाल करके पहले पीओएच निकालते हैं। पीओएच कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव से। और ये ओएच नेगेटिव कहां से निकलेगा बच्चों? जैसे अभी आपने एच पॉजिटिव ड्रॉ किया, अगर आप कोशिश करेंगे सेम डेरिवेशन को करने की, और आप ओ एच नेगेटिव वहां से निकाल पाएंगे, तो ओ एच नेगेटिव की वैल्यू आपको के बी बी ओ एच, अगर आपका बेस है, तो ऐसे आप लोग इसको फॉर वीक बेस के लिए निकाल पाएंगे, ठीक है। आपने ओ एच एच पॉजिटिव तो निकाला था वीक एसिड के लिए, अगर आप वीक बेस मतलब बी ओ एच लेकर के अपनी पूरी इक्वेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन से आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको प्रूफ करेंगे ओ एच की कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे, और इस ओ एच की कंसंट्रेशन को अगर आप यहाँ पे लगा दें, तो आप पी ओ एच निकाल लेंगे बेस के लिए, और बेस के लिए फिर पी एच अगर निकालनी होगी, तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला आपको पहले से पता है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को समझाए हैं बच्चों, जिनसे वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए पीएच कैलकुलेट की जाती है, और मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मैं एक वीक एसिड की कंसंट्रेशन ले रहा हूं। देखिए, मेरे पास एक वीक एसिड है, किसी एक वीक एसिड का नाम लो, एक वीक एसिड ले रहा हूं मैं आपके पास, इसका नाम है एसिटिक एसिड, करेक्ट, या फिर आप इसको दो कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिटिक एसिड जो है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर अगर हमने ली, मतलब हमने 0.1 मोल का एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, तो उसकी पीएच क्या होगी, हमें ये पीएच क्या होगी, ये निकालनी है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच फॉर अ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन,
ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, और आपको एक हिंट दी हुई है, के ए इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 to the power -8। ये आप लोगों को के ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको पीएच फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो, आप पीएच कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी एसिड के लिए पीएच इक्वल्स टू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन तो देखिए हमारे को नहीं दी हुई है ना, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन तो नहीं है। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन वीक एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, अभी हमने प्रूव किया, एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट के ए एच ए। तो हमारे को एक फॉर्मूला ये भी पता है। अब एच पॉजिटिव निकालने के लिए हमें के ए चाहिए जो कि हमारे पास है, और हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, एच ए। एच ए मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, और एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है, गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं, एच पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा कितना, अंडर रूट के ए। के ए कितना है, 1.8 इंटू 10 to the power -8 इंटू एच ए। एच ए है बच्चों 0.1। ओके, अब आप इसको देखें, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आगे सॉल्व करना, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई आपके पास। आप इसको मैथमेटिक्स, जिन बच्चों की ठीक है, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन थोड़ी इसमें आनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं अंदाजे से इसको, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग तो नहीं लिख रहा हूँ, मगर मैं अंदाजे से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए इसको 18 लिख सकते हैं, इसके 0.1 को यहाँ चढ़ा दिया, 10 to the power -9 कर दिया, और 0.1 ये पहले से यहाँ पे है, ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद मैंने इस 0.1 को भी बच्चों हटा करके -9 को -10 लिख दिया, ठीक है, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। मैं मतलब इसको ये लिख सकता हूँ, है ना। अब 10 to the power -10 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो 10 to the power -5 ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बच जाएगा हमारा अंडर रूट 18, ठीक है बच्चों। अब ये अंडर रूट 18 का मैं लगभग मान लिख रहा हूँ यहाँ पे, लगभग मान कितना होगा, देखिए 4 चकू 16 जो है, अगर ये 16 होता तो इसका अंडर रूट कितना होता, अगर ये अंडर रूट 16 होता तो इसकी वैल्यू 4 होती, मगर ये 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये वैल्यू थोड़ी सी 4 से ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ से हटा करके 4.2 लिख दिया। तो मेरे पास अभी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई बच्चों मेरे पास 4.2 इंटू 10 to the power -5। ये मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकल आई इस वीक एसिड के लिए। अब अगर मेरे पास H पॉजिटिव की बच्चों कंसंट्रेशन है और मैं चाहता हूँ उससे pH निकालना, तो आप देखिए ये सारी चीज़ें मैं रब कर रहा हूँ, और आप देखिए अगर मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है तो मैं इस जगह ये वैल्यू लगा सकता हूँ, मतलब H पॉजिटिव की जगह इस फॉर्मूले में मैं अगर 4.2 इंटू 10 to the power -5 लगा दूँ तो मेरा ये फॉर्मूला आगे बढ़ सकता है, ठीक है बच्चों। लीजिए इसको रब कर दिया। अब ये अगेन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, और आप अपने से इसको चेक कर सकते हैं। लॉग 4.2 प्लस लॉग 10 to the power -5, ठीक है, मैं बहुत जल्दी में बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब लॉग 10 to the power -5 को हमने हटा करके -5 लिख दिया, ठीक है, और लॉग 4.2, लॉग 4.2 का मतलब हो गया इसको अंदाजन मैंने इसको लॉग टेबल, हालांकि आपको इसके लिए देखनी पड़ेगी, मगर मैंने इसको 0.4 लिख दिया, क्योंकि log 4.2 है, log 10 से छोटा है, log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, तो log 10 से तो छोटा है, तो मैंने 0.4 लिख दिया इसको, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -4.6 इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई। इस
वैल्यू को आप देख रहे हैं, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका जो पीएच आएगा वो आएगा 4.6। ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा अगर मैंने आपको एक वीक एसिड दिया, मान लेते हैं उसका नाम एसिटिक एसिड है जो कि 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है और उसका के ए वैल्यू गिवन है। देखिए के ए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमेशा या तो आपको गिवन होगी है ना, इसके ऊपर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो के ए वैल्यू भी आपने ढूंढना है। के ए वैल्यू पता होने के बाद आपको पी एच अगर निकालना है तो पी एच इजिकल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव चाहिए आपको, और एच पॉजिटिव की वैल्यू निकालने के लिए वीक एसिड वाला फॉर्मूला एच पॉजिटिव इजिकल टू अंडर रूट के ए एच ए निकालना है। अंडर रूट के ए की वैल्यू गिवन है, एच ए की वैल्यू गिवन है, इनको लगा के एच पॉजिटिव की जो वैल्यू आई उसको लगा करके आप पी एच इजिकल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव की जगह वो वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका रिजल्ट 4.6 आएगा। ये आप देख लें। ओके, तो यहाँ पे ये बात हुई हमारी वीक एसिड की। ठीक है, आपको अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके एसिड की जगह एक बेस दे देता हूं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस हो गया, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है बच्चों। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, आप इसको देख सकते हैं फिट होते हुए। ठीक है ना, और इसका अगर आपको 0.5 मोलर का सॉल्यूशन दिया गया है बच्चों, उसकी पीएच आपको निकालनी है और वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू इसकी थोड़ी सी और चेंज करके देख लेते हैं, तो वैल्यू अगर आपकी आ जाती है 3.6 × 10⁻⁶, अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू ये है, तो आपको इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। ठीक है, मैंने आपको कहा ये एक बेस है, इसमें OH होता है। ठीक है ना, तो आपके पास फॉर्मूला है OH नेगेटिव इजिकल्स टू अंडर रूट के बी, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे ये एक बेस है, इसके लिए इसके के ए वैल्यू नहीं के बी वैल्यू गिवन होगी, बेस है इसलिए के बी वैल्यू, के बी मतलब डिसोसिएशन ऑफ बेस है ना, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस इंटू, और ये एक बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन ये आपको गिवन होगी। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में जानते हैं ये दोनों ही चीजें हमारे को गिवन है। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों थोड़ा सा मैंने इसको 0.1 मोलर ही लिख दिया, आप 0.5 से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं ध्यान में रखनी, ज्यादातर हमारे को समझना है, इसलिए मैंने इसको समझने के लिए सिंपल बना दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने 3.6 × 10⁻⁶ इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 यहाँ पे रख दी। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये अंडर रूट 3.6, एक पॉइंट यहां जाकर के 10⁻⁷ हो जाएगा जो कि 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁸ हो जाएगी। ये आप देख लें, ये वैल्यू यहां से कन्वर्ट करके मैंने 36 × 10⁻⁸ रख दी। 10⁻⁸ को जब हम बाहर निकालेंगे 10⁻⁴ और 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 × 36, इसका रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये 6 × 10⁻⁴ आपकी OH की हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है निकल गई 6 × 10⁻⁴, ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपके पास हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन बच्चों अगर गिवन है, अगर आपके पास OH नेगेटिव पता है तो आप इसका क्या निकाल पाएंगे, POH जो कि हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू आपने जो निकाली वो यहाँ पे रख सकते हैं 6 × 10⁻⁴, और आप इसके साथ कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हैं जैसे अभी हमने किया था, log m into n equal to log m plus log n, ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको एक्सपेंड करेंगे। आपने इसको एक्सपेंड करके देखा माइनस log 6 की वैल्यू, अगेन मैंने 0.6 मान ली। ठीक है ना, मान इसलिए क्योंकि मेरे को ये log टेबल से चेक करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास अभी नहीं है।
ठीक है, और कैलकुलेशन हमारा मकसद भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो 0.6 इसको कर लिया और ये माइनस फोर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये माइनस है और अंदर -3.4 बचेगा, तो हमको हमारा जो POH हो गया बच्चों, POH जो है इस बार 3.4 आ गया, ठीक है, हमने POH निकाल दिया 3.4, मगर हमें क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन का pH, तो pH निकालना है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14, वाटर के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है, इस फॉर्मूले को तो आपने बिल्कुल याद रख देना, जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी तरीके से ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब pH आपको निकालनी है, तो ये 14 माइनस POH के बराबर हो जाएगी, ठीक है, और 14 माइनस POH की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 3.4, तो अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपकी pH फाइनली कैलकुलेट कितनी होगी, 11.6, ये क्या होगी आपकी, नहीं 10.6 होगी, कैलकुलेशन में थोड़ी सी अंतर है, ये इसकी pH निकली हमारे सॉल्यूशन की 10.6। तो इस तरीके से आपने पहले OH नेगेटिव निकाला, OH नेगेटिव निकालने के बाद POH निकाला, और POH निकालने के बाद इससे इसकी हेल्प से pH निकाल दिया, और pH निकाल के आपको पता चला कि जो सॉल्यूशन फाइनली आपने बनाया वो सॉल्यूशन आपका कितना बेसिक या कितना एसिडिक है, ठीक है ना। तो अब आपको वीक एसिड और वीक बेस की pH निकालनी बच्चों प्रोबेबली आ गई होगी, मैं मानता हूँ कि शायद ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे तो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आप इसको थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे को हमारे ईमेल आईडीज में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम आपको इसके ऊपर बता सकते हैं, ठीक है ना, मगर आप पहले इसको खुद से एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, अगर मैं पीएच के ऊपर पूछूं तो आपको क्या क्या पता चला, आपको पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस निकालना पता चला, इसके लिए आपको कुछ नहीं एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए थी, और डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में अप्लाई करना था। दूसरी चीज आपको क्या पता चली, वीक एसिड और वीक बेस की पीएच निकालनी पता चली, जिसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा डेरिवेशन कराया गया और आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश कराया गया, जिसमें आपने एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए एच ए या फिर ओ एच नेगेटिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बी बी ओ एच, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उसको आगे फॉर्मूले में यूज करके पीएच निकालने का तरीका आपने जाना, ठीक है बच्चों। ये तो दो तरीके के सॉल्यूशन हैं। अब एक सॉल्यूशन और है, सॉल्ट। आप लोगों को पता है सॉल्ट किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं सॉल्ट किसे कहते हैं, जब एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत क्लासिकल डेफिनेशन है जिसे न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्यों, एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज मतलब उदासीन कर लेते हैं, इसलिए यह एक इक्वेशन है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इससे जो बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण मतलब सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे तो HCl प्लस NaOH आपस में रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। आप देख लें ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस है, एक Na यहाँ है, एक Na उस तरफ है, बराबर, एक Cl यहाँ है, एक Cl उधर है, बराबर, और वाटर मॉलिक्यूल इधर भी है और इधर भी है। इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो रही है, एक न्यूट्रल रिएक्शन हो रही है, एक उदासीनीकरण रिएक्शन हो रहा है, और इसमें एसिड HCl है और NaOH बेस है, और जो बन रहा है NaCl, ये खाने वाले नमक को बोलते हैं, NaCl इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है बच्चों। एक बात तो आपकी ये हो गई सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब अगर आपको इसका रिवर्स पूछे कि सॉल्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे एक सॉल्ट वो होता है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वह
एसिड और बेस बनाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सॉल्ट क्या होता है, तो जब सॉल्ट वह होता है जिसे पानी में डालने पर एसिड और बेस बनता है आपका, तो ये सॉल्ट की आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब आपको देखना है, हमारा तो बेसिक मोटो क्या है बच्चों, हमारे को पीएच चेक करनी है, ठीक है ना। तो मैं उसी के ऊपर आपको बात करता जा रहा हूं। अब मैं पूछता हूं आपको कि किसी सॉल्ट का सोल्यूशन क्या होता है, किसी सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, तो आपको देखिए कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करना है। जब सॉल्ट को पानी में डाला और एसिड और बेस बने, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट, थ्री आपका कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करना है, इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप आगे कुछ अच्छी एनालिटिकल की बुक देख सकते हैं, तो आपको एनालिटिकल की बुक से ये चीज निकालनी आ जाएगी। हालांकि ये आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिड्यूस करने के लिए कमी पूछी जाएगी पेपरों में, मगर आपको ये ध्यान रखना है जिसमें से पी के डब्ल्यू एक गिवन वैल्यू है। चाहो तो आप इसको रिप्लेस करके हमेशा के लिए सात भी याद रख सकते हो, चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा करके सेवन भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मगर मैंने हाफ पी के डब्ल्यू इसलिए लिखा आपको ये बताने के लिए कि इस पीएच को कौन कौन सी तीन चीजें इफेक्ट कर रही हैं। एक तो वाटर कर रहा है, एक ये वीक एसिड कर रहा है, और ये सॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप साथ रख लें। पी के ए वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे जितनी वैल्यू आपको के ए की दी गई होगी उससे पी के ए वैल्यू निकलेगी, और उस वैल्यू का हाफ आपको करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू दूसरी हो गई। और लॉग सी वैल्यू, लॉग सी का मतलब हो गया, लॉग सी हो गया आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अगर यही चीज मैं किसी ऐसे सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा हूँ जहाँ पे कि ये एसिड ना होकर के बेस गिवन है, मतलब के ए ना मिलकर के बी गिवन है आपको, के बी, तो आप ऐसे केस के लिए इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला आपको इनिशियली लिखवाया गया है बच्चों, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, इसके बाद इस वाले पोर्शन को माइनस और इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, मतलब अगला फॉर्मूला जो आ जाएगा पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हो जाएगा जहाँ पे कि बेस जो है वो एक वीक बेस है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को फॉलो करके किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन की पीएच को आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू यहां से आपने फाइंड आउट की। अब आपको वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशंस की पीएच निकालनी आ गई। ये हमने विद एग्जांपल्स आपको करा दिए। अब आपको एक और टॉपिक जो इसमें समझना है वो है बफर। बफर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि इसका नाम है बफर। बफर की डेफिनेशन है ऐसे सॉल्यूशन जिनको कि थोड़ी मात्रा में यूज किया जाता है और ये किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच में चेंज आने को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। मैं मतलब दूसरे मायने में कहूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है जिसकी पीएच 5.9 है। अब मान लेते हैं इसमें गलती से कोई और सॉल्यूशन गिर गया, गलती से इसमें कोई एसिड या बेस गिर गया, तो इसकी पीएच 5.9 से कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम उस चीज को घटने या बढ़ने न देना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए इस पे बफर डालते हैं। तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जो कि पीएच को के में होने वाले चेंज को रजिस्टर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। बफर बच्चों एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, दो तरीके के बफर होते हैं। तो बच्चों हमने आज के जो लेक्चर में देखा, हमने देखा वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं और अंडरलाइन किए हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। और इसके अलावा मैंने आपको सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस बताई कि कैसे सॉल्ट हाइड्रोलाइज होकर के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उनकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया है, उस फॉर्मूले को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सॉल्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब जो वीक एसिड्स के लिए किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा, वीक बेसिस के लिए कैसा फॉर्मूला लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हमारे दो तीन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस होने हैं,
आपको उस सीरीज में वो भी देखना जरूरी है। तो उसमें हम लोग बफर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, किस तरीके से बफर सॉल्यूशंस की पीएच को कैलकुलेट की जाती है, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट और 3-4 इक्विलिब्रिया के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आप इसके कंटिन्यूएशन में उसको देखेंगे जरूर और ध्यान रखेंगे, ये सारे नोट्स बना करके अपने पास आपको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।